हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कर देना ताकि आपको लेटेस्ट व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये भाई माता वैष्णो देवी मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। मैं आपको नज़र आ रही होगी, वो माता की काफ़ी बड़ी मूर्ति है। काफ़ी दूर से ही माता की मूर्ति नज़र आ जाती है। यहाँ पे माता वैष्णो देवी का मंदिर है वृंदावन में, वहाँ हम पहुँच चुके हैं अभी मेरे दोस्तों के साथ। यहाँ पे यार काफी लंबी लाइन लगी है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो अपनी गाड़ी का प्रबंध कीजिए। और ये मुझे लगता है यहाँ भी 4 बजे खुलेगा मंदिर, आई थिंक सो। 4 बज लिया जहाँ तक मेरे को लग रहा है। सुनो, गाड़ी क्यों कर खड़ी हुई थी शाम को? हाँ हाँ, माँ वैष्णो देवी मंदिर काफी भव्य मंदिर है माता का, आप देख सकते हो बाहर से ही। अभी हम जाएंगे अंदर, अंदर आपको दिखाएंगे माता, अगर अलाउड हुआ। दिखाई दे रही है कितनी खूबसूरत माता जी की प्रतिमा बनी हुई है। बगल में बजरंग बली जी विराजमान है। माँ वैष्णो देवी धाम आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट शब्दों में। स्पष्ट शब्द, काफी भीड़ है यहाँ पे। मुझे लग रहा है अभी तक गेट खुला नहीं है, तो आप हम गाड़ी पार्किंग लगा दो जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी गेट का शामी। ये भाई माता के मंदिर में आए, देख लो कितनी भीड़ है यहाँ पे। मोबाइल का पता नहीं अंदर ले जाने देंगे नहीं देंगे। ये भाई माता की कितनी भव्य मूर्ति है यहाँ पे, देख लीजिए। अगर आप मोबाइल अंदर गया तो आपको अंदर का दृश्य जरूर दिखाऊंगा, लेकिन अभी देखते हैं। देखिए बजरंगबली भी साथ में विराजमान है, कितनी भव्य मूर्ति है माता वैष्णो देवी की। भीड़ काफ़ी है यहाँ पे, यहाँ से एंट्री होगी जाने वाले, हम देखते हैं। भाई यहाँ बहुत भीड़ है यार, देख लो काफ़ी क्राउड है भाई यहाँ पे, ज़्यादा भीड़ है। लाइन में लगना पड़ रहा है वहाँ पे पर्ची कटवाने के लिए। अभी एक बंदा गया हमारा, ये देख लिया माता का बहुत ही भव्य है। दोस्तों अंदर जाना मोबाइल अलाउड नहीं है, वरना हम आपको अंदर का दृश्य भी दिखाते हैं। काफ़ी भव्य मंदिर है अंदर से, माता की बहुत ही विशाल मूर्ति है वहाँ पे, और एकदम स्वच्छ सुंदर मंदिर, काफ़ी अच्छा। आप लोगों को यहाँ आना चाहिए एक बार, वृंदावन में जब आओ तो माता वैष्णो देवी के मंदिर पे आना चाहिए। यहाँ पे भीड़ काफ़ी, स्रोत काफ़ी, भक्तगण हमेशा ही रहते हैं, पूरी तरह भरा रहता है मंदिर खचाखच। काफ़ी अच्छा मंदिर है। मोबाइल वर्ती थे अंदर, हम ले जा नहीं सकते किसी तरह भी, इसलिए हमें बाहर की बार मोबाइल रख के जाना पड़ेगा। हम आपको एक बार और दिखा देते हैं यहाँ से, बिल्कुल भव्य मंदिर है भाई। यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं था इसलिए मोबाइल नहीं ले जा सके, लेकिन मंदिर बहुत अच्छा, आप लोगों को आना चाहिए एक बार यहाँ पे। भीड़ देखिए यहाँ पे, भीड़ बहुत आए हुए हैं यहाँ पे, हमारे दर्शन हो गए हैं मंदिर में जाके आ गए भाई भीतर तक, लेकिन मोबाइल अलाउड नहीं था तो इसलिए मोबाइल नहीं ले जा सके, आप लोगों को दर्शन नहीं करा सके। लेकिन एक बार जरूर आना जब भी आओ वृंदावन, वैष्णो देवी माता मंदिर में जरूर आना। भूख लग रही है, जमा कुछ बर्गर खावांगे। वैष्णो देवी माता मंदिर के अंदर मोबाइल वर्जित नहीं है, और 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी आप वहाँ पे लेके नहीं जा सकते, तो प्लीज़ अवॉइड करें इस चीज़ को। मोबाइल नहीं ले जा सकते, पर्स नहीं ले जा सकते, कोई भी लेदर बेल्ट वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ नहीं ले जा सकते। काफ़ी भव्य मंदिर है माता का, आपको दर्शन करना चाहिए वहाँ पे। भाई भूख लग गई है बिल्कुल, अभी बर्गर खा रहे हैं एक एक। ये भाई बढ़ा रहा है बर्गर मारा, खड़े हैं, इनके मुंह में पानी आ रखा है, काफ़ी भूखे लग रहे हैं भाई, सवेरे के चल रहे यार, थक गए यार।